मॉडल अकेडमी बिश्नाह के छात्रों ने एक बार फिर स्कूल सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सोमवार को घोषित हुए 10वीं के परीक्षा परिणाम में स्कूल का 100% रिजल्ट आया है, जिसके बाद मंगलवार को स्कूल पहुंचे छात्रों ने टीचर्स को धन्यवाद किया और उनसे शुभकामनाएं ली। बताते चलें कि इससे पहले भी स्कूल के छात्रों ने 8वीं के परीक्षा परिणाम में भी बेहतर रिजल्ट पेश किया था। माई नेम इज राधिका शर्मा, आई स्कोर 88%। दिस ऑल क्रेडिट गोज टू आवर प्रिंसिपल सर एंड माई टीचर्स, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की, हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया। अगर वो नहीं होते तो हम इतने मार्क्स नहीं ले पाते। मैं सिर्फ 7-8 घंटे पढ़ती थी, प्ले भी करती थी, खेलती भी थी, फ़ोन भी यूज़ करती थी, बट लिमिटेड टाइम में। अब मेरे पापा, जिनका सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे को, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मैं और सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्टडीज़ में दें, ना कि टीवी, टेलीफोन, किसी में भी नहीं। आई चूज़ नॉन मेडिकल बिकॉज आई बिकेम एन इंजीनियर, दैट्स वाई आई चूज़ नॉन मेडिकल। क्या नाम है आपका, कितने मार्क्स आए हैं बताएंगे? मेरा नाम अतुल है और मेरे 70% मार्क्स आए हैं। कितनी खुशी हो रही है आज, पेरेंट्स कितने खुश हैं? बहुत खुशी हो रही है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि मैंने 70% मार्क्स लेकर अपना उनका नाम रोशन किया है। क्या टारगेट था इससे पहले, आपको लगता था इतने मार्क्स आ जाएंगे, इससे ज़्यादा सोचते थे? मेरा टारगेट 400 से अबव था, पर नहीं आ सके। टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का? टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने बहुत हमें पढ़ाया, दिन रात हमें मेहनत करनी पड़ी, जिसकी वजह से आज हमने इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं। कितना समय देते थे रोज? रोड से 8 से 10 घंटे हम पढ़ाई को देते थे, जिसमें करते पढ़ाई। आपका नाम? मेरा नाम काजल भगत है। कितने मार्क्स आए हैं बताएं? मेरे मार्क्स 286 आए हैं। कितनी खुशी हो रही है आज, पेरेंट्स कितने खुश हैं? बहुत खुशी हो रही है, हमारे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बच्चे इतने आगे चल रहे हैं। इसका श्रेय किसको देते हैं? हम इसका श्रेय अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड टीचर्स एंड अवर पेरेंट्स को देते हैं। कितना समय देते थे रोज? 9-10 घंटे दे देते थे। माय नेम इज विकास एंड आई हैव गॉट 90%। इट वाज रिजल्ट ऑफ माय हार्ड वर्क एंड द हार्ड वर्क ऑफ माय टीचर्स एंड माय स्पेशली द प्रिंसिपल सर, दे टॉट इन सच अ वे दैट वी आर एबल टू गेट दिस टाइप ऑफ मार्क्स, सो दे हैव डन लॉट। I'm going for science with PCM so that I could able to do engineering and make my country proud. I played cricket and other athletes. जी बताइए। I have done it because my teachers guidance and my parents support. I thank for all you. I am happy, it's because of principal sir, he taught as well. Thank you sir and all my teacher. क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मंजू कुमारी है, मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। कितना मैम बताएं, कितना इसको कहना पड़ता था कि बेटा शिक्षा की ओर ध्यान दे ले और एक्टिविटीज़ को थोड़ा? हम तो बहुत बोलते थे, बच्चे आजकल कहाँ सुनते हैं, ये कभी कुछ कभी कुछ, टीवी देखता रहता, मोबाइल चलाता रहता था, हम बोलते रहते थे। उसके बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट पेश किया तो अब कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है हमको, हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ है। तो कब से यहाँ पे पढ़ रहा है और कितना आपको क्या लगता है? जी प्री नर्सरी से इधर ही है। तो शुरू से ऐसा ही रिजल्ट पेश करता रहा है? हाँ, अच्छा रिजल्ट है शुरू से इसका। सर कहना ये है कि पहले नंबर पे जहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, टीचर्स हैं, हमने दीपू जी सर हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया इन लोगों ने, हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा इन्होंने हमारे बच्चों की परवरिश की है। हम ये बोलते हैं कि हमने कम की है, इन्होंने इन लोगों ने ज़्यादा की है। हमें घर में फिक्र नहीं होता था कि इनको बोलना, लेकिन इन्होंने फ़ोन कर करके हमें बताया कि इनको पढ़ाओ, इनका अगर सही भविष्य बनाना है तो इनको पढ़वाओ, ट्यूशन रखवाओ, कुछ भी करो, कुछ भी इनको रात को बोलो, दिन को बोलो, लेकिन इनको बोलना है कि पढ़ें। तो आज इनकी वजह से ही ये हमारे बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। क्या मैसेज रहेगा आपका? ये बच्चों की
अपनी भी कोशिश है और साथ ही उनके पेरेंट्स की साथ, जो टीचर हमारे हैं उन्होंने भी हार्ड वर्क किया है, वो बच्चे खुद भी मेहनती थी जिन्होंने इतना कुछ किया और अच्छी अच्छा रिजल्ट दिया उसको। आपके बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैक्सिमम कहूँगा कि जो बाहर ट्यूशंस भी नहीं लेते हैं, स्कूल के ही मतलब सारी जो पढ़ाई होती है उसी पे निर्भर होते हैं, तो फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट, कि आखिर क्या एक्स्ट्रा बच्चों को दिया जाता है शिक्षा के द्वारा? आप देखें क्लास वर्क के अलावा हम बच्चे के साथ साथ ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ साथ रहना रहने का मतलब है कि उनके ब्रेन को चेकअप करना कि कौन सी चीज़ जो है इनको कमी है और कौन सी चीज़ जो है ये मेकअप करके हैं। इसके साथ साथ हम उनको चलाते रहते हैं और ये समझते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं, हर साल ऐसा ही आता है। बहुत से बच्चों को बोर्ड एग्जाम का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, वो स्ट्रेस फ्री करने के लिए आप क्या बच्चों को एक्स्ट्रा बताते हैं? हम इनको कहते हैं कि अपनी मन में सच्चाई रखनी चाहिए, अपना जो ये आपकी पढ़ाई है वो एक आपका कर्म है, इसी को भक्ति कहते हैं, वो अपने मन में रखनी चाहिए, आप कभी भी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। ये लगन जो है इनके साथ है, वो इसी लगन के साथ जो है वो पढ़ाई के अलावा किताबी नाले के अलावा ये काम करते हैं। और ये है कि अकेला चना तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं फोड़ सकता, ये सबका ही सहयोग होता है। जो हमारे टीचर्स हैं ये भी हार्ड वर्कर और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जहाँ तक के KSB बच्चे लगाए हुए मैंने और इंजीनियरिंग करके भी आए हुए हैं जिनको जॉब नहीं मिला, अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इन सब टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, घर वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और स्कूल वाले जो दूसरे मेंबर हैं जिन्होंने ये सहयोग दिया और ये जहाँ तक पहुँचे बच्चे, हर साल जो रिजल्ट आया सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लगता नहीं है कि ये विश्नाग का स्कूल है, लग रहा है कि कोई वर्ल्ड लेवल का स्कूल है। ख्वाबों के इस आशियाने में भरेंगे हम एक उड़ान, पढ़ेंगे लिखेंगे कूदेंगे तो झूलेंगे हम आसमान, अपने हुनर की कलम से सजाएंगे ये जहां। न्यू मॉडल अकेडमी नंबर वन, इस जैसा कोई कहां। The teamwork of New Model Academy will show you result and development of your child. After 18 years of research, I've come out with a new technique of learning English. So if you want to give your child a great foundation, remember New Model Academy. I direct to you to come here and admit your boys from pre-nursery to 10th class and get his result soon. It's just a call.